एक तरह से अपनी पार्टी से खुले तौर पर बगावती तेवर दिखाते हुए यूपी के बहराई से बीजेपी सांसद सावित्री बाई फूले ने कहा कि अगर आरक्षण खत्म करने की साजिश बंद नहीं हुई तो जंग हो जाएगी। कुछ दिनों पहले ही फूले ने कहा था कि आरक्षण खत्म करने की साजिश हो रही है। उन्होंने इसके लिए अपनी ही पार्टी की केंद्र सरकार पर भी हमला बोला। लखनऊ में आयोजित संविधान और आरक्षण बचाओ रैली में फूले ने कहा कि आरक्षण हमें कोई भीख में नहीं मिला, यह हमारे लिए प्रतिनिधित्व का मामला है। देश का सत्तारूढ़ वर्ग अगर संविधान बदलने की हिमाकत करेगा और आरक्षण खत्म करने की कोशिश करेगा तो खूनी जंग शुरू हो सकती है। उन्होंने कहा कि हम अपने अधिकारों के लिए अपना जीवन दांव पर लगाने के लिए तैयार हैं। भारत का संविधान सही ढंग से लागू नहीं किया गया और हम बहुजन लोगों को अब भी समानता का अधिकार नहीं दिया गया। फूले ने कहा कि वे चुनाव की परवाह नहीं करती। उन्होंने कहा, मैं अपने सांसद की सीट की परवाह नहीं करती, मेरे पास सीट रहे ना रहे मैं अपने अंतिम सांस तक हमारे समाज के अधिकारों के लिए लड़ूंगी। हमें उसी संविधान की बदौलत मुख्यमंत्री और राष्ट्रपति बनने का अधिकार मिला है जिसके खिलाफ आज साजिश की जा रही है। इसके पीछे कुछ वरिष्ठ नेता हैं और केंद्र सरकार की नीतियों की वजह से एससी एसटी और अल्पसंख्यकों को संविधान में मिला अधिकार खतरे में है।